तो हाजिर हूँ एक और नए वीडियो में। और भाई साहब, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में इतना ज्यादा मैसेज कर दिया कि रामू भाई हमारा जो व्हाट्सएप है वो बैन हो चुका है, बहुत सारे लोग जो मुझे टैग करके पूछ रहे हैं, काफी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट जो है उसको अनबैन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग इसलिए कंप्लीट देख लेना, मैं एक जे डिटेल में बताऊंगा, कोई भी यूट्यूबर आपको जो है एक्सप्लेन करके नहीं बताता है। 3 से 4 मिनट का वीडियो है, ऑब्वियसली आप बोर हो जाते हो और काफी सारे लोग का सॉल्यूशन भी नहीं होता। मैं एक जे डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका व्हाट्सएप अकाउंट किस किस कारणों से बैन किया जाता है, ठीक है। क्योंकि एक तो रीजन होगा व्हाट्सएप पर भी गाइस कम्युनिटी गाइडलाइंस नाम की कोई एक चीज होती है जिसको आप लोग जो है एक्सेप्ट नहीं, यानी आप पढ़ते नहीं हो, आप जस्ट अलाउ होके करते हो। जो अलाउ होके करते हो ना, जब व्हाट्सएप अकाउंट इंस्टॉल करने के बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू करते हो, तो वहाँ पे जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है व्हाट्सएप की, जो होता है कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है, उनको आप फॉलो नहीं करते हो, वहाँ पे वही गलती जो है करके बैठते हो, इसलिए आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसको टर्मिनेट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरीके से आप अपने जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसको रिकवर कर सकते हो, यानी कैसे जो उसको अनबैन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, बिल्कुल स्किप मत करना, ए टू जेड पार्ट डिटेल में बताऊंगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा आपका लॉस हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है, आप सभी का स्वागत है मोबाइल टेक्निकल चैनल में, बिना किसी बिना किसी वर्ड में चलेगा आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज जरूर जाननी पड़ेगी कि व्हाट्सएप किस तरीके से बैन होता है। व्हाट्सएप जो है 3 तरीके से बैन होता है। एक तो होता है आपका टेम्पोररी बैन, ठीक है, जो कि आपको जो है 7 दिन से लेकर के 14-1 महीने के अंदर अंदर रिकवर हो जाता है, ठीक है, अनबैन ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं जो आगे वाले जो ट्रिक बताऊंगा, मतलब सॉल्यूशन बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है तो आपको व्हाट्सएप अकाउंट जरूर रिकवर हो जाएगा। सेकंड वाली बात ये है फ्लैग बैन। फ्लैग बैन का मतलब अगर आपका फ्लैग बैन हो जाता है तो आपको 2-3-4 महीने आपको जो वेट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर भी नहीं आता 2-4 महीने के अंदर अंदर अगर नहीं आता, ठीक है, तो ऐसे में आपको जो है तो ऐसे में आप क्या हो सकता है, आप जो है व्हाट्सएप को एक ट्वीट भेज सकते हो, मतलब कि एक तरीके से आप जो है ओपन लेटर भेज सकते हो। ओपन लेटर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, दोस्तों सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर देना है फोन का, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे एग्री कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपका वही नंबर डालना है जो आपका बैंक नंबर हुआ, जैसे आप यहाँ पे डाल करके यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा सपोर्ट का ऑप्शन, आपके सपोर्ट का ऑप्शन शो करेगा, आपको यहाँ पे लिखाएगा योर व्हाट्सएप अकाउंट नंबर, आपका नंबर दिया जाएगा, इज बीइंग बैन फ्रॉम व्हाट्सएप, ऐसे इज बैन फ्रॉम व्हाट्सएप ऐसे कुछ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है नीचे आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर में दिखेगा सपोर्ट और राइट साइड में दिखेगा हेल्प, तो आपको सपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। अभी मैं चलिए सपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक करके बताएगा, सपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम, यहाँ पे अपना जो प्रॉब्लम है उसको पहले डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो वो कैसे डिस्क्राइब करना है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि आपका अगर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, ऐसे में मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मतलब कि ओपन लेटर लिख करके दूंगा, ये जो आपको इंग्लिश में डालना पड़ेगा, ठीक है, इंग्लिश अगर आपको मान लीजिए इनकेस नहीं आता सही तरीके से लिखने, तो ऐसे में जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब की इंग्लिश में मतलब की पूरा ओपन लेटर लिख दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो वही वाला जो है उसको आपको कॉपी कर लेना, कॉपी करके डी टू सेम वैसा ही आपको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है, डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है ये भी मेंशन कर देना, आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट नंबर है, आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मेंशन कर देना, ठीक है, अदरवाइज व्हाट्सएप कैसे समझेगा ये आपका जो नंबर है वो जो है बैन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एड स्क्रीनशॉट, यह ऑप्शनल है, आपको जो है ये मैंडेटरी है, ये आपको ढालना ही जरूरी है, ठीक है, नहीं इसमें आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपका जो क्या एरर आ रहा है, यानी जब आप जो है मतलब व्हाट्सएप चला रहे हो, वहाँ पे जो है आपका नंबर डाल रहे हो, लिखा रहे ना योर व्हाट्सएप नंबर इज बैन फ्रॉम व्हाट्सएप मैसेज उनके, तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है, जो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में गाइस जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो गाइस जैसे आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट करोगे ना, उसके बाद गाइस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी लिए करना चाहते हो ये सब कुछ, तो यहाँ पे जो है नीचे एकदम नीचे देख सकते हो ग्रीन कलर के पे आई डजंट ये जो लिखा रहा है इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक कर दोगे ना बोला जा रहा है, ठीक है, कॉन्टेक्ट सपोर्ट दिया, यहाँ पे आपको जीमेल पे क्लिक कर देना, ठीक है, और एक ऑप्शन दिख रहा है उस वक्त क्लिक नहीं करना है, आपको जीमेल पे, जैसे आप जीमेल पे क्लिक करोगे आपकी जो भी एक ईमेल एड्रेस होगा उस ईमेल एड्रेस के थ्रू व्हाट्सएप वालों के पास एक जो है ओपन लेटर चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेल में ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, सब्जेक्ट वगैरह ये सब कुछ, यहाँ पे सेम का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसका आपको क्लिक कर देना, सेम पे जैसे क्लिक कर दोगे आपका जो मेल है वो सक्सेसफुली व्हाट्सएप वालों के पास चला जाएगा। अब आपको जो है 3 दिन का वेट करना है, ठीक है, 3 बिजनेस डेज, उसके अंदर आपको एक व्हाट्सएप की ओर से रिप्लाई आ जाएगा और आपका नंबर अनबैन हो जाएगा। ये है सॉल्यूशन नंबर 1। आप बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की, मान लीजिए इनकेस आपका व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है,
ऐसे में आप इस ट्रिक को मत यूज करना, क्योंकि आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस है, व्हाट्सएप वाले वेरीफाई करेगा आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है भी या नहीं। अगर है तो मैंने उस लेटर पे मैंने क्या बताया था कि मेरा जो व्हाट्सएप बिजनेस है मैं इस नंबर से चलाता हूँ, और अगर आप जो ये व्हाट्सएप अकाउंट अनबैन नहीं करते हो तो मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो प्लीज मैं आगे से चल करके आपका जो कम्युनिटी गाइडलाइंस नाम की जो चीज है उनको सब कुछ को रिस्पेक्ट करूंगा, सब कुछ को फॉलो करूंगा, तो प्लीज मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसको अनबैन कर दीजिए। मैंने फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन में ये आपको दिया था, सेकंड नंबर में आपको ये नहीं होगा, क्योंकि आपका तो अभी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट इनकेस नहीं है, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे? तो ऐसे में आप गाइस क्या करना है, ऐसे में जो डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन नंबर दो करके वहाँ पे जो एक ओपन लेटर दे दूंगा, ठीक है, उस ओपन लेटर को जस्ट आपको कॉपी करना है और जाकर के वहाँ पे जो है पेस्ट कर देना, ठीक है। जैसे आप जो है पेस्ट कर दोगे तो उसमें मैंने जो है पढ़ने से आपको मालूम चल जाएगा, सेम जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने जैसे स्टेप बताया वैसे ही आपको स्टेप करना है, सिर्फ डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम है आपको जो है वो वाला जो सॉल्यूशन नंबर टू वाला जो वहाँ पे डिस्क्राइब योर इशू जो लिखा हुआ है उसका क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद बस आपका हो गया काम कम्प्लीट। वैसे आपको एक स्क्रीनशॉट लेकर चल देना है, उसके बाद सेम टू सेम वैसे ही जीमेल में क्लिक करके सेंड कर देना है। यह है सॉल्यूशन नंबर दो। आप भाई साहब अगर आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो बार बार बैन हो रहा है, यानी कि बहुत बार आपने ट्राई कर लिया फिर भी बैन हो रहा है, मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपका बैन हुआ, आपने व्हाट्सएप वालों को कॉन्टेक्ट करके अभी आपका ऑटोमेटिक जो है वो अनबैन हो गया, आप फिर से आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट बैन हुआ उसी बात जब आप यूज करें आप फिर से वापस आया फिर से बैन हो गया, या ऐसे अगर बैन हो रहा है तो ऐसे में आपको जो है व्हाट्सएप बिजनेस यूज करना है। पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आप अपना जो व्हाट्सएप है या कोई देर तक प्रेस करके रखना है, उसके बाद जो है ऐप इनको पे क्लिक कर देना है, और ऐसे में आपका जो एक डिफॉल्ट लिस्ट होता है ना जो ब्लैक लिस्ट वगैरह होता है व्हाट्सएप वालों के पास, वहाँ पे आपका नंबर वो लोग दे देते हैं, इससे क्या होता है आपका जो अकाउंट है वो बार बार बैन हो जाता है अगर आप जो है कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में गाइस आपको क्या करना है, आपको कुछ दिन के लिए व्हाट्सएप बिजनेस यूज करना है, व्हाट्सएप जो है यूज नहीं करना है, तो आपको अनइंस्टॉल कर देना है, उसके बाद अनइंस्टॉल करने के बाद फिर जो है प्ले स्टोर जाओ, व्हाट्सएप बिजनेस लिख के सर्च करो, उस ऐप को डाउनलोड करो, सेम वैसा ही प्रोसेस है, जस्ट थोड़ा सा व्हाट्सएप बिजनेस में जो है अपॉइंटमेंट वगैरह ये सब कुछ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो वो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, अदरवाइज अगर आप फिर भी आपका कोई क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो, रामकुमार 406 एक यूजर नेम है, तो मैं वहां पे आपका हेल्प सॉल्यूशन कर दूंगा। तो गाइस यही सारा कुछ चीज है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया कि किस तरीके से आप जो है अपने व्हाट्सएप अकाउंट को जो है अनबैन कर सकते हो। अगर आपने पूरा लास्ट तक वीडियो देख लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आई होप आपका जो हेल्प है समाधान पूरी मैंने बता दिया, कोई भी यूट्यूबर आपको सॉल्यूशन 1, 2, 3 करके नहीं बताता, जस्ट एक सॉल्यूशन होता है, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके आपको ये वीडियो पहुंचा दिया। फिर भी अगर आपका कोई भी इनकेस प्रॉब्लम है क्वेरीज है तो फिर नीचे कमेंट करना ना भूलिए, मैं आप कमेंट कर दीजिए उससे सॉल्यूशन में करने की कोशिश करूंगा, या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहां पे भी मैं जो आपका मैसेज कर रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर आप उसे कर दीजिए वीडियोस में आप सभी बना रहता हूं मैं भी तो मेरी और किसी नए ट्रेस और कमाल दमन की सो देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।